हसदेव और अहिरन नदियों के संगम तट पर स्थित है। छत्तीसगढ़ को ऊर्जित करने वाली इस राज्य की विद्युत राजधानी कोरबा, और यहाँ के नागरिकों को अब मिलने जा रही है स्वच्छ ईंधन की नई सौगात। इंडियन ऑयल द्वारा स्थापित एक नए एलपीजी बॉटलिंग प्लांट की स्थापना से नेचुरल गैस के साथ साथ इस क्षेत्र में एलपीजी गैस के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए लगातार काम चल रहा है, क्योंकि पूर्वी भारत में उज्ज्वला योजना के बाद एलपीजी गैस की कवरेज काफी अधिक बढ़ गई है। 30 एकड़ वर्ग क्षेत्र में फैला 136 करोड़ रुपयों की लागत से बनकर तैयार हुआ ये पूर्णतः स्वचालित एलपीजी बॉटलिंग प्लांट सुरक्षा एवं स्टोरेज की सभी सुविधाओं से लैस है। 60 TMTPA की क्षमता वाले इस प्लांट में बल्क TT अनलोडिंग के लिए 8 बेस, 2 इलेक्ट्रॉनिक कर्यूसल्स एवं यहां 60 किलोवाट की क्षमता वाले सोलर पावर प्लांट का भी प्रबंधन किया गया है। लगभग 17,000 सिलेंडर की दैनिक बॉटलिंग क्षमता के साथ ये प्लांट छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रीब्यूटर्स के माध्यम से तकरीबन 16 लाख ग्राहकों तक एलपीजी की आपूर्ति करेगा। उसी के साथ रोजगार के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अवसरों के माध्यम से यहां के निवासियों की जीवन शैली में भी बढ़ोतरी होगी। ये प्लांट प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कार्यान्वयन में भी योगदान देगा और घरेलू ईंधन में एलपीजी के माध्यम से हरित एवं पर्यावरण अनुकूल वैकल्पिक ईंधन पाकर यहाँ के नागरिकों की जीवन शैली में भी उन्नति आएगी। और आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कोरबा एलपीजी बॉटलिंग प्लांट को राष्ट्र की सेवा में समर्पित कर रहे हैं।